हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है मापा परसी में चलिए आज बनाते हैं ना बहुत ही टेस्टी मेथी का पराठा वो भी फ्रेश फ्रेश मेथी बाड़ी से तोड़ के बनाएंगे आज है संडे का दिन घर से ही मैं बाड़ी से मतलब कि मेथी भाजी तोड़ ले रही हूँ भाजी ना थोड़ा सा कोमल नहीं है थोड़ा सा मतलब कि बूढ़ा टाइप का हो जा रहा है कड़क हो गया है लेकिन ना ये चल जाएगा पराठा के लिए इसका पत्ता पत्ता को बस अलग करेंगे फिर इसको मैं पराठा बनाऊंगी मतलब कि घर का भाजी रहे और पराठा बनाओ कितना तो मज़ा आता है ना तो भाजी में तोड़ ली थी उसके बाद आंगन में बैठ गई थी मतलब कि फिर ना यहाँ बाबू बदमाशी कर रहा था इस तरह से देखे मतलब कि कैमरा के सामने आ रहा था उसको मज़ा आता है कैमरा स्टैंड के पास आना इधर बैठ गई थी साथ में जेठाने भी मतलब कि साथ में तोड़ने के लिए हाथ बटा दे रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा था तो टाइम लग जाता और क्या है ना पत्ता पत्ता अलग करना था डेंटल को साइड करना था इस तरह से बातें करते हुए सुबह का भाजी तोड़ लिए थे सभी भाजी को उसके बाद इसको सब तोड़ लूंगे ना उसके बाद इसको धो लेना है इसको धोएंगे ना तो क्या है ना इसका दो से तीन पानी धोना है एक ही बार में कट करके नहीं धो सकते मेथी भाजी को पहले से धोना पड़ता है अक्सर भाजी को तो पहले से धोना पड़ता है छेद वाले बर्तन में ना अच्छे से दो से तीन पानी में धो थी जितना भी गंदगी थी वो निकल गई थी उसके बाद आ गई थी किचन में इसके बाद ना एक सूपा ले ली थी सूपा में और एक मतलब कि छोटा सा चॉपर था कट करने वाला भाजी वाजी कट इसी में करती हूँ मैं लकड़ी का टुकड़ा फिर भाजी को इस तरह से मुठ्ठी में ली फिर भी इसे कट करके ना इसको फिर से पकड़ ली थी और इसको ना बारीक बारीक कट करेंगे इस तरह से अगर भाजी कट करेंगे ना बहुत ज़्यादा बारीक बारीक हो जाएगी इस तरह से देखिए मतलब कि एकदम बारीक बारीक कट करना रहता है पराठा के लिए आपको भी पता होगा कि भाजी को जितना बारीक कट करेंगे उतना ही स्वादिष्ट आता है पराठा इस तरह से करके ना सभी को कट कर लेना है इस जितना हो सके ना उतना बारीक कीजिएगा उतना बारीक करेंगे ना तो ही मतलब कि पराठा टेस्टी लगती है तो मैं एकदम बारीक कट कर ली थी इस तरह से उसके बाद इसको वापस ट्रांसफ़र कर दी थी मतलब कि पराठ में जिसमें मैं आटा लगाऊंगी तो इसमें मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ थोड़ी सी मैं अजवाइन डाल रही हूँ क्योंकि पराठा बनाऊँगी ना पराठा के लेना थोड़ी सी अजवाइन या जीरा डाल दो ना तो अच्छा लगता है मेरे यहाँ डलता है आप चाहिए इसमें लहसन अदरक कूट के डाल सकते हैं हरी मिर्च डाल सकते हैं लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि मैं चटनी बनाऊँगी साथ में नमक डाल दी थी और अच्छे से मिक्स कर दी थी भाजी को इस तरह से इस तरह से मिक्स करेंगे ना थोड़ा सा इसमें पानी हो जाएगा पानी पानी सा सिवा इधर से आटा डब्बा उठा ली थी और आटा निकाल लेंगे ये मेरा घर का मतलब कि पिसवाया हुआ आटा है खरीदा हुआ आटा नहीं है इससे ना रोटी और पराठा बहुत अच्छा लगता है अच्छा स्वाद रहता है इसको मैं छान के ही रखी थी क्योंकि आप लोग बोलते हैं ना कि छान कीजिए आटा को तो आटा मैं पहले से ही छान के भरी रहती हूँ इस पर जितना भी डस्ट रहता है ना में भर दो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है बनाते समय उसके बाद ना पानी में आप लोग कमेंट करके बोल रहे थे ना दीदी आप लोटा से आटा मत लगाइए तो ठीक है आज से मैं गिलास से या मगस से ही लगाऊंगी लेकिन लोटा से नहीं लगाऊंगी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको एकदम सॉफ्ट सा डो तैयार करेंगे जैसे हम पराठा के लिए रोटी के लिए तैयार करते हैं ना वैसे ही अच्छे से मसल मसल के करना पड़ता है क्योंकि मेथी जो भाजी है ना वो उसको जितना मसल के आप बनाएंगे ना उतना ही ये सॉफ्ट बनेगी पराठा और भाजी भी थोड़ा सा मतलब कि सॉफ्ट हो जाएगी ना तो पराठा बेलने में भी आसानी होती है इस तरह से करके ना डो को अच्छे से चिकना कर लेना है आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा घी या तेल लगा के चिकना कर सकते हैं लेकिन मैं नहीं लगा रही हूँ एकदम सिंपल ही बना रही हूँ इस तरह से करके ना आटा को गूंट के एकदम चिकना कर लेंगे इस तरह से जितना आप गूंथेंगे ना उतनी ही सॉफ्ट पराठा बनेगी मेथी की अच्छे से वो घूट लेती थी उसके बाद इसको ना पंद्रह बीस मिनट रेस्ट के लिए छोड़ेंगे ताकि ना आटा अच्छे से फूल जाए और सेट हो जाए फिर उसके बाद आटा डब्बा को टाइट कर लेती और नीचे साइड में कर दी थी उसके बाद इधर मैं चटनी की तैयारी कर दी थी इधर देखिए छोटी वाले टमाटर मतलब कि बहन तोड़ दी थी बाड़ी से और इधर चार से पाँच के लिए लहसुन की और पाँच से चार हरी मिर्च ली हूँ उसके बाद ना इसको चटनी पीसेंगे इधर मिक्सर जार निकाल ली थी और इसमें हम डाल देंगे सभी टमाटर को टमाटर ना मतलब गुब्बारे का है और लहसन भी घर का ही है मिर्च बस मार्केट का है सभी को डालेंगे उसके बाद इसमें डाल देंगे हम नमक स्वाद अनुसार उसके बाद इसको हम बारीक पीस लेंगे इस तरह से अगर चटनी बनाएंगे ना टमाटर की बहुत अच्छी लगती है अगर आपके पास हरा धनिया हो तो डाल सकते लेकिन मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली उसके बाद निकाल दी थी कटोरी में साइड में रख देना है चटनी को पीस के ढक के उसके बाद इधर मैं तवा रख दी थी तवा का गैस ऑन कर दी थी और इधर मैं मतलब कि पराठा बेल लूँगी आटा भी निकाल ली थी सूखा वाला इधर से उसके बाद ना छोटी छोटी लोई लेंगे जितने बड़े के लिए हम पराठा के लिए बनाते हैं नॉर्मल पराठा उतने बड़े ही बड़े लोई लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इसको ना पतला पतला बेल लेंगे ज़्यादा पतला भी नहीं बेलना है थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे जैसे हम पराठा बनाते हैं नॉर्मल पराठा वैसे ही बेलना है इस तरह से करके बेल के ना इसको मतलब कि हाथ में थोड़ा सा झड़ाएंगे और इसको तवा पे डाल देंगे गर्म तवा पर उसके बाद दूसरा लोई भी ले ली थी इसको भी हम इसी तरह से करके बेल लेंगे थोड़ी सी छोटी लोई हो गई थी तो दोबारा से और ले ली थी मैं थोड़ी सी आटा इस तरह से करके ना सभी पराठा को बेलेंगे और सेक लेंगे हल्का हल्का तेल लगाएंगे तेल या घी कुछ भी आप लगा सकते हैं लेकिन मैं रिफाइन तेल लगा रही थी और इसको ना उलट पलट करके अच्छे से सेक लेंगे देखिए बहुत अच्छे से मतलब कि सीख जाता है लकड़ी के जो चम्मच है ना उसी में दबा दबा के सेक रही हूँ एक पराठा को उसके बाद ना एक के ऊपर एक दूसरा रोटी रख के सेक लेंगे जैसे मैं नॉर्मल रोटी सेकती ना वैसे ही सेक लेंगे इस तरह से करके ना सभी पराठा को मैं सेक लेती मतलब कि इतना पराठा बनाने में मेरे को लगभग पंद्रह से बीस मिनट का समय लगा था मतलब कि मेरे यहाँ ज़्यादा फैमिली है तो एक एक दो दो खाते थे सब पराठा सुबह के नाश्ता में तो इस तरह से करके सभी पराठों को मैं तैयार कर लेती देखिए अब पूरा लास्ट वाला पराठा है ये देखिए राज पराठा को मैं इस तरह से सेक रही हूँ एक की रोटी एक मतलब की रोटी के ऊपर दूसरी रोटी रख के सेक रही थी इस तरह से करके सभी पराठा मेरा तैयार हो गया था मेथी के पराठा इस तरह से टेस्टी टेस्टी पराठा सुबह के टाइम में अगर टमाटर चटनी के साथ मेथी पराठा मिल जाना बात ही कुछ अलग रहती है साथ में मैं सबसे पहले निकाल दे रही हूँ मेरे जेठ जी के लिए नाश्ता सबसे पहले निकाल देती टमाटर की चटनी और साथ में निकाल रही हूँ इधर दो पराठा और थोड़ी सी मैं आम की अचार जो मिक्स वाली आती है ना मार्केट वाली है घर वाली ख़त्म हो गई तो मार्केट वाली जेठ जी थोड़ा सा चार खाना पसंद करते इसलिए पराठे के साथ अचार दे रख दी थी ये रहा आज का मेरा सुबह का ब्रेकफास्ट कैसे लगा वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा धन्यवाद